तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में जंग ना रोकना इसराइल को पड़ा भारी। हिजबुल्ला ने इसराइल के मिलिट्री बेस पर किया हमला, दागे 1300 ड्रोन, इसराइल का मिलिट्री बेस तबाह। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी को लगा एक और झटका, बीजेपी के एक और बड़े नेता ने छोड़ी पार्टी, थामा कांग्रेस का दामन। अयोध्या के राम मंदिर में सफाई करने वाली युवती से 9 लोगों ने किया गैंगरेप, नहीं बचा पाए राम मंदिर के बाबा। ज्ञानव्यापी मस्जिद पर योगी आदित्यनाथ ने दिया विवादित बयान, ज्ञानव्यापी मस्जिद को योगी ने बताया मंदिर। सीएम केजरीवाल की रिहाई के बाद दिल्ली में हुई आतिशबाजी, पटाखे फोड़ने के मामले में दिल्ली पुलिस ने FIR की दर्ज। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में जंग ना रोकना इसराइल को पड़ा भारी। हिजबुल्ला ने इसराइल के मिलिट्री बेस पर किया अचानक हमला, दागे 1300 ड्रोन। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जंग ना रोकना इसराइल के लिए अब भारी पड़ गया है। हिजबुल्ला ने अचानक ही इसराइल पर हमला कर दिया है और इसराइल के मिलिट्री बेस को तबाह कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अचानक ही हिजबुल्ला ने इसराइल के मिलिट्री बेस पर 1300 ड्रोन और रॉकेट दाग दिए, जिन्हें रोकने में इसराइल का आयरन डोम सिस्टम फेल हुआ और ये सारे रॉकेट इसराइल के मिलिट्री बेस पर जाकर गिरे, जहां पर तबाही मच गई। वहीं आपको बता दें कि हिजबुल्ला की इस तबाही से इसराइल की नींद उड़ गई। दरअसल आपको बता दें कि हिजबुल्ला ने 72 घंटों के भीतर इसराइल के सैन्य ठिकानों पर 2 हमले किए, 12 घंटे के भीतर इसराइल पर हिजबुल्ला ने 4 हमले किए। इन हमलों को देखते हुए इसराइल की सेना के पसीने छूट गए और अब हिजबुल्ला ने कहा है कि अगर इसराइल ने गाजा पट्टी में जंग नहीं रोकी तो उसके हमले और ज्यादा खतरनाक होंगे। तो यह बड़ी अपडेट आई दोस्तों की इसराइल में हिजबुल्ला ने एक बार फिर से तबाही मचा दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा में बीजेपी को लगा बड़ा का, बीजेपी के बड़े नेता ने थामा कांग्रेस पार्टी का दामन। जदोसो आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में बगावत और भगदड़ का सिलसिला जारी है। कुछ नेताओं ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया है तो कुछ पार्टी के दिग्गज नेताओं द्वारा मनाने पर मान गए हैं। लेकिन इन सबके बीच बीजेपी के एक नेता ने खुलकर बगावत करते हुए कांग्रेस पार्टी का दामन थामकर पार्टी को बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच टिकट ना मिलने से बीजेपी से नाराज चल रहे कर्णदेव कंबोज ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। उन्हें मनाने के लिए खुद सीएम नायब सैनी पहुंचे थे, लेकिन कंबोज की नाराजगी का आलम यह था कि उन्होंने मुख्यमंत्री से हाथ भी नहीं मिलाया और इसलिए उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हरियाणा में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी के अयोध्या में राम मंदिर में सफाई करने वाली युवती से 9 लोगों ने किया गैंगरेप। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में विवादित राम मंदिर में सफाई करने वाली 20 वर्ष की एक महिला के साथ 9 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया है। वहीं आपको बता दें कि बलात्कार करने वाले लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी आज दी है। दरअसल आपको बता दें कि अयोध्या के कैंट थाने में ये FIR छात्रा ने दर्ज करवाई थी। दरअसल आपको बता दें कि छात्रा का आरोप है कि जब वह सुबह के टाइम राम मंदिर में सफाई करने गई थी तो वहां पर 9 लोगों ने उसको जबरदस्ती पकड़ा और उसके साथ बलात्कार किया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राम मंदिर तलक को नहीं बख्शा और राम मंदिर में ही जो है बलात्कार कर दिया महिला का। ये बड़ी अपडेट उत्तर प्रदेश से आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद को योगी आदित्यनाथ ने बताया मंदिर। दोस्तों आपको दादे की ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले पर हाई कोर्ट से हिंदूवादी संगठनों को झटका लगने के बाद योगी आदित्यनाथ बौखला गए हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर ऐसा कुछ कह दिया है जिससे विवाद शुरू हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानव्यापी मस्जिद को मंदिर बताया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद साक्षात विश्वनाथ शिव है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बातें 14 सितंबर को गोरखपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन के कार्यक्रम के दौरान की थी। वहीं आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के इस बयान का पूरे देश में विरोध हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं फिर भी
इनको इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। आपकी क्या राय दोस्तों, ज्ञान व्यापी मस्जिद है या मंदिर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम केजरीवाल की रिहाई के बाद हुई थी आतिशबाजी, पटाखे फोड़ने के मामले में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शुक्रवार को जेल से रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों की ओर से पटाखे फोड़ने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है। शुक्रवार को सीएम केजरीवाल की तिहाड़ जेल से रिहाई के बाद 6 फ्लैग स्टाफ के आसपास जमकर आतिशबाजी हुई थी। दिल्ली BJP ने आतिशबाजी को लेकर मंत्री गोपाल राय से सवाल पूछे थे कि दिवाली पर राष्ट्रीय राजधानी में पटाखे फोड़ने पर बैन हटाया जाए। 4 दिन पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने राजधानी में पटाखे फोड़ने पर बैन लगा दिया। वहीं आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल की रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई थी और इसी से BJP नाराज हुई और BJP ने दोस्तों जो है FIR दर्ज करवा दी है। पट्टी में जंग नहीं रोकी तो उसके हमले और ज्यादा खतरनाक होंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल में हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से तबाही मचा दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा में BJP को लगा बड़ा झटका, BJP के बड़े नेता ने थामा कांग्रेस पार्टी का दामन। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। टिकट नहीं मिलने पर BJP और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में बगावत और भगदड़ का सिलसिला जारी है। कुछ नेताओं ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया है तो कुछ पार्टी के दिग्गज नेताओं द्वारा मनाने पर मान गए हैं। लेकिन इन सबके बीच BJP के एक नेता ने खुलकर बगावत करते हुए कांग्रेस पार्टी का दामन थामकर पार्टी को बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल आपको बता दोस्तों की विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच टिकट न मिलने से BJP से नाराज चल रहे कर्णदेव कंबोज ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। उन्हें मनाने के लिए खुद CM नायब सैनी पहुंचे थे, लेकिन कंबोज की नाराजगी का आलम यह था कि उन्होंने मुख्यमंत्री से हाथ भी नहीं मिलाया और इसलिए उन्होंने BJP छोड़कर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की हरियाणा में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी के अयोध्या में राम मंदिर में सफाई करने वाली युवती से 9 लोगों ने किया गैंगरेप। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में विवादित राम मंदिर में सफाई करने वाली 20 वर्ष की एक महिला के साथ 9 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया है। वहीं आपको बता दें कि बलात्कार करने वाले लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी आज दी है। दरअसल आपको बता दें कि अयोध्या के कैंट थाने में ये FIR छात्रा ने दर्ज करवाई थी। दरअसल आपको बता दें कि छात्रा का आरोप है कि जब वह सुबह के टाइम राम मंदिर में सफाई करने गई थी तो वहां पर 9 लोगों ने उसको जबरदस्ती पकड़ा और उसके साथ बलात्कार किया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राम मंदिर तलक को नहीं बख्शा और राम मंदिर में ही जो है बलात्कार कर दिया महिला का। ये बड़ी अपडेट उत्तर प्रदेश से आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो वाराणसी की ज्ञान व्यापी मस्जिद को योगी आदित्यनाथ ने बताया मंदिर। दोस्तों आपको दादे की ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले पर हाई कोर्ट से हिंदूवादी संगठनों को झटका लगने के बाद योगी आदित्यनाथ बौखला गए हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर ऐसा कुछ कह दिया है जिससे विवाद शुरू हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानव्यापी मस्जिद को मंदिर बताया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद साक्षात विश्वनाथ शिव है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बातें 14 सितंबर को गोरखपुर में एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन के कार्यक्रम के दौरान की थी। वहीं आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के इस बयान का पूरे देश में विरोध हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं फिर भी इनको इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। आपकी क्या राय दोस्तों, ज्ञान व्यापी मस्जिद है या मंदिर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम केजरीवाल की रिहाई के बाद हुई थी आतिशबाजी, पटाखे फोड़ने के मामले में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शुक्रवार को जेल से रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों की ओर से पटाखे फोड़ने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है। शुक्रवार को सीएम केजरीवाल की तिहाड़ जेल से रिहाई के बाद 6 फ्लैग स्टाफ के आसपास जमकर आतिशबाजी हुई थी। दिल्ली BJP ने आतिशबाजी को लेकर मंत्री गोपाल राय से सवाल पूछे थे कि दिवाली पर राष्ट्रीय राजधानी में पटाखे फोड़ने पर बैन हटाया जाए। 4 दिन पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने राजधानी में पटाखे फोड़ने पर बैन लगा दिया। वहीं आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल की रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई थी और इसी से BJP नाराज हुई और BJP ने
दोस्तों जो है FIR दर्ज करवा दी है।